अमेरिका ने खरीदा रूस से कच्चा तेल, अब भारत के रास्ते मंगा रहा अमेरिका रूस से कच्चा तेल। दुनिया के सामने भारत ने अमेरिका का कच्चा चिट्ठा खोला। दुनिया के सामने ढोंग कर अमेरिका दिखा रहा है रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को वर्ल्ड की सुपर पावर बताने वाला अमेरिका कितना दोगला देश है यह सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार तो अमेरिका ने दोगलेपन की सारी हदें पार कर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर रूस से इनडायरेक्टली तौर पर कच्चे तेल का आयात किया है। दोस्तों, अमेरिका जो पूरी दुनिया के सामने रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, वह पीठ पीछे रूस से ही कच्चा तेल खरीदता है। और दोस्तों, अमेरिका का दोगलापन यही खत्म नहीं होता, बल्कि वह भारत जैसे देशों को रूस से कच्चा तेल लेने से भी रोकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद चोरी छिपे तेल खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर अमेरिका सीधे तौर पर नहीं बल्कि भारत के रास्ते बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहा है। और दोस्तों, इसी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका अब भारत के साथ भी नई नई चाल खेल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारत भी ऐसा करेगा, लेकिन भारत ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करने के लिए भारत ने रूस से ज़्यादा कच्चा तेल लेना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, ऐसे में भारत को कच्चा तेल तो सस्ते में मिल ही रहा है, लेकिन इसकी मदद से बनने वाले गैसोलीन के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की मदद लेनी पड़ रही है। रूसी प्रतिबंधों के बीच भारत से पश्चिमी देशों और अमेरिका को यह एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल ऑयल ट्रेडर्स वीटोल और टेरा फिगुरा दोनों ने भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी से 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से एक एक कार्गो वैक्यूम गैस ऑयल खरीदा है। सूत्रों के अनुसार दिसंबर में यह कार्गो भारत के वादीनार पोर्ट से अमेरिका या यूरोप में निर्यात होगा। वीजीओ एक तरह का कच्चा तेल ही है जिससे गैसोलीन और डीजल बनता है। इससे निर्यात में सीधा फायदा भारत को ही होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफ्रा मैक्स टैंकर संघाई डावन ने भी रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर पोर्ट से लगभग 80,000 टन वीजीओ खरीदी थी, जो कि अक्टूबर में आखिरी या नवंबर में अमेरिका पहुंचा था। पिछले साल की तुलना में इस साल भारत ने अमेरिका को काफी अधिक मात्रा में वैक्यूम गैस ऑयल निर्यात किया है। दोस्तों, सच तो यह है कि यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका को वीजीओ को निर्यात सबसे ज़्यादा रूस ही करता था, लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत इस वीजीओ मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। ऐसे में अब अमेरिका रूस की जगह भारत से आयात कर रहा है। भारत के लिए फायदे की बात यह है कि इस गैस के लिए कच्चा तेल भारत महंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं बल्कि रूस से मंगा रहा है, और यह भारत के लिए फायदे का सौदा बन गया है। आपको बता दूं कि मई 2021 में अमेरिका ने भारत से जहां केवल एक कार्गो वीजीओ खरीदा था, वहीं इस साल अमेरिका ने भी अभी तक कई खेप कार्गो वीजीओ खरीद चुका है, जो कि पिछले साल से कहीं ज़्यादा है, जिसका फायदा भारत में हो रहा है। और दोस्तों, इसके लिए अब अमेरिका भारत को लालच देने के लिए नई नई तरह की चालें चल रहा है। जहां अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की वित्त मंत्री भारत आई थी, तब उन्होंने कहा था कि भारत को जितना भी कच्चा तेल रूस से खरीदना है भारत खरीदे, अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। अब दोस्तों, देखने में तो अमेरिका की वित्तीय मंत्री का यह बयान भारत और अमेरिका के रिश्ते से काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही हमने आपको बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल अमेरिका ने भारत से काफ़ी ज़्यादा वीजीओ मंगाया है। दोस्तों, वीजीओ कच्चा तेल है जो रिफाइनरी प्रोडक्ट के बाद निकलता है, और इससे ही डीजल और गैसोलीन बनता है। अब दोस्तों, जैसे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये दिखाने के लिए कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ है, इस चक्कर में वह रूस से बिल्कुल भी कच्चे तेल का आयात नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने इसके
बावजूद छूट दे रखी है। या यूं कहे कि हाल ही में अमेरिका की वित्त मंत्री का बयान आया था कि भारत जितना मर्जी रूस से तेल खरीदे, अमेरिका रुकेगा नहीं। यह बयान इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका भी इस VGO कच्चे तेल के आयात के लिए भारत पर निर्भर है। और दोस्तों, अमेरिका ने तो हाल ही में कहा था कि यह तो बहुत ही बढ़िया बात हुई कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस से काफ़ी ज़्यादा और कम कीमत पर कच्चा तेल खरीद लिया है, ताकि भारत की जो रिफाइनरी है जो कच्चे तेल का आयात करके उसके उप उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में निर्यात करती है, उससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर यदि आप सोच रहे हैं कि भारत को उसमें फायदा ही फायदा है और भारत को तो एक्सपोर्ट करके और कमाई होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का हर आदेश हर देश मानता है। अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर देश है। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हमेशा से अपना लाभ देखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसी चाल खेली है जिसके बाद भारत ने भी अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले भी अमेरिका के वित्त मंत्री ने बताया था कि भारत जितना चाहे उतना रूस से कच्चे तेल का आयात कर सकता है। अब दोस्तों, इस बात को लेकर भारत और रूस के व्यापार पर ग्रहण लग गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ ये चाल खेलते हुए कह दिया कि भारत को जितना रूस से व्यापार करना है वह करे, लेकिन इसके लिए भारत को अपनी कंपनियों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। दोस्तों, अमेरिका ने तो भारत और रूस के बीच चल रहे कच्चे तेल के व्यापार को लेकर तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत दूर से कच्चे तेल का आयात करता है तो वह फाइनेंस से लेकर मालवाहक जहाज के इंश्योरेंस तक और सभी तरह के खर्चे खुद उठाएगा और भारतीय कंपनियों को ये जिम्मेदारी पश्चिमी देशों की कंपनी नहीं देगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितनी भी मालवाहक जहाज जाते हैं उन सब में जो सामान जाता है उसके इंश्योरेंस के लिए, ताकि समुद्री लहरों में डूबकर सामान नष्ट न हो जाए। ये सारे काम 90% पश्चिमी देशों की इंश्योरेंस कंपनियां संभालती है। और दोस्तों, बात रही मालवाहक जहाज की जो कच्चे तेल के टैंक से लदे होते हैं, तो उसमें भी 50% से ऊपर पश्चिमी देशों की कंपनियां के होते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जैसे अमेरिका का बयान आया है कि व्यापार का सारा काम इंश्योरेंस से लेकर फाइनेंस तक भारत और भारत की कंपनियां खुद संभाले, पश्चिमी देशों की कंपनियों की मदद ना ले, यह अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका अब यहाँ पर भारत को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है और दोनों तरफ से अपनी जीत कर रहा है। जहाँ उसको भारत से VGO कच्चा तेल भी लेना और साथ ही भारत को यह भी बता रहा है कि वह रूस से व्यापार बंद कर दे, लेकिन भारत ने भी अमेरिका को उसी भाषा में भिगोकर मारना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, भारत ने भी अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ा है कि भारत अब अमेरिका से कच्चा तेल नहीं बेचने वाला, और अगर यदि अमेरिका को VGO कच्चा तेल चाहिए तो उसके लिए प्रीमियम चार्जेस लगेंगे जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका अब दिन प्रतिदिन यह चाह रहा है कि भारत रूस से व्यापार बंद कर दे, लेकिन दोस्तों अमेरिका की इतनी भी हिम्मत नहीं कि भारत को सामने से बोल दे, इसलिए ऐसे बयान देकर और धमकियां देकर भारत को रोकने की नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद अमेरिका यह जानता नहीं कि आज का भारत सशक्त भारत है। अगर अमेरिका और पश्चिमी विदेशों की कंपनियां भारत की मदद नहीं करेगी तो भारत में भी कई कंपनियां हैं जो विश्व में अपने व्यापार और इंश्योरेंस सेक्टर में काफी नाम कमाती है। अगर जैसे ही पश्चिमी देशों की कंपनियां पीछे छूटी तो भारत को आगे बढ़कर फैसला लेना भी आता है और अपने दम पर व्यापार करना भी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।